अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल मेरा और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ न्यूज़ रूम से सभी तमाम बच्चों को हार्दिक नमस्कार। प्यारे बच्चे कैसे होंगे आप? बढ़िया होंगे। और आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की अपडेट ज्वाइंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी हाल ही में पता लगा है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम 14 मई से स्टार्ट होने वाले हैं और उनका दावा है कि सभी क्लासेस ऑफलाइन लगने के कारण आपके एग्ज़ाम्स जो हैं ऑफलाइन मोड से ही लिए जाएंगे। सिलेबस के अंदर भी कोई कटौती की बात नहीं कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी। तो ये बातें लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लगातार एक महीना हो गया है आप लोगों के साथ लगातार अपील करते हुए कि भाई प्रोटेस्ट कर लो, अपने सिलेबस को कम करा लो, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की डिमांड रख लो, लेकिन किसी भी यूनियन के पदाधिकारी आगे नहीं बढ़े। मैंने तमाम बच्चों को ये भी मैसेज किया कि आप मुझे यूनियन के नंबर्स दें, उनसे मेरी बातचीत कराएं और मैं उनको कन्विंस करने की बात करूंगा और अपनी जो वीडियो है उनके साथ भी बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा कोई हमारे को प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ऊपर से बच्चे कमेंट्स करके लिख रहे हैं कि सर तो अपने व्यूज़ के लिए और पैसे के लिए वीडियोस बनाते हैं, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों एक यूट्यूब के एक वीडियो से क्या इनकम हो सकती है, 10 या 12 या 100 रुपये? तो 100 रुपये मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? मैं पहले से बता रखा हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और एजुकेशन में मैं केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ और गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर मैं डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत हूँ। तो मुझे ये चैनल सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए, आपके हित में, आपके साथ लड़ने के लिए मैंने ये चैनल बनाया, ना कि पैसे के मोटिव से मैंने ये बनाया। जो भी पैसे इनकम्स आती है मैं बच्चों को उससे स्कॉलरशिप देकर उनको घर में पढ़ाता हूँ, फ्री कोचिंग्स की बात करता हूँ। मैं अपने घर में काफ़ी बार बच्चों को फ्री कोचिंग देता हूँ और साथ में उनको गाइडेंस दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है, और जो थोड़ी बहुत इनकम मुझे यूट्यूब से जनरेट होती है वो भी मैं आप लोगों के ऊपर ही बच्चों के ऊपर लगा देता हूँ। तो इस तरीके की जब बातें कई बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो उसकी अपनी सोच है, मैं किसी के कहने पर पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चैनल जारी रहेगा, आपको अपडेट देता रहेगा और यही मेरा मकसद है। तो इनकी किसी की बुराई से हम पीछे हटकर हम अपने चैनल को सोचे कि क्या ज़रूरत पड़ी है, तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। मुझे पता है आप लोगों को मेरी ज़रूरत है तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो प्रोटेस्ट की बात लगातार कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों प्रोटेस्ट करें, नहीं तो आने वाले समय के अंदर एग्ज़ाम्स अगर स्टार्ट हो गए और फुल सिलेबस का तो आपके परिणाम बहुत खराब आएंगे। तो इसी में ऐसा करते हुए आप अपने प्रोटेस्ट करें, जारी रखें और कोशिश करें, आह्वान करें अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स उच्च अधिकारियों को, बताएं कि भाई हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो आपके जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सुनी जाएगी। क्वेश्चन पेपर के अंदर हो सकता है छूट दे दें, ऑफलाइन पेपर हो और आपको क्वेश्चन पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस की छूट दे दी जाए। तो इस तरीके की बात आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। कैसी लगी वीडियो जरा बतानी है, लाइक का बटन जरूर दबाना है, कमेंट्स करके बताना है और साथ साथ अपने वीडियोस को शेयर करना है। जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आप देख रहे हैं एजुकेट चैनल और मैं न्यूज़ रूम से आपको ये अपडेट दे रहा हूं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की ज्वाइंट अपडेट है। शुभ रात्रि, कल का दिन आपका मंगलमय हो, धन्यवाद।